हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के 46 दिन बाद भी कश्मीर में हिंसा और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। झड़पों में 70 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को शक है कि हिंसा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की जा रही है। इस बाबत शुरुआती जांच में जो सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। पता चला है कि 8 लोगों के अकाउंट में बीते कुछ समय में 4 से 5 करोड़ रुपए आए हैं। NIA की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए कश्मीर घाटी पहुंच चुकी है। जांच एजेंसी ने हाल ही में कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए की जा रही फंडिंग को लेकर केस भी दर्ज किया था। शुरुआती जांच के बाद सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कश्मीर के 8 लोगों के अकाउंट में कई बार 3-3 लाख रुपए करके 4 से 5 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। ये अकाउंट्स जम्मू कश्मीर बैंक के हैं और इनमें 10-10 हजार रुपए के चेक के जरिए पैसों की निकासी की गई। NIA का कहना है कि ये 8 अकाउंट्स उन आम लोगों के हैं जिनके खाते में इतना पैसा नहीं आ सकता। जांच टीम मामले में कई लोगों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक NIA को शक है कि करोड़ों की ये रकम खाड़ी देशों से आई है। यही नहीं, एजेंसी का मानना है कि विदेशों से फंडिंग का ये खेल बहुत बड़ा हो सकता है। खास बात ये भी है कि जिन लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं उन्होंने कभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा। इस मामले में बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। NIA को शक है कि इस पूरे सिंडिकेट में कुछ बड़े व्यापारी शामिल हो सकते हैं। NIA की टीम कश्मीर से लौटने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी जिसके आधार पर रेगुलर केस दर्ज किया जा सकता है। NIA को कश्मीर के 10 जिलों में फंडिंग होने का शक है।